वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेके वेलकम टू द हेल नहीं क्या था मुझे भूल गई, मेरा सर दर्द कर रहा है। वेलकम टू हेल बेबी बॉय है ना, यही नाम था। हाँ यही था, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं, और स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। हम देखते हैं यूंगी का सीन, जो कि अपने ना एक जो जिस मिशन के लिए आया था वो एक्चुअली उसके एनिमी का मिशन था, और एनिमी को अपने किल करने आया था, और वो जो मिल भी गया था और वो जल्दी हो गया था। आज फर्स्ट टाइम था कि उसका जो मिशन था वो जल्दी कंप्लीट हो गया था। तो फिर ना वो जैसे ही घर जाने लगता है तो जो कार होती है वो उसका ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है, और उससे पीछे ना एक और कार होती है जिसके अंदर उसके 4 गार्ड्स होते हैं, और वो दोनों कार्स वहाँ से जा रही थी। तो अचानक से ना यूंगी के ना किसी लड़की पर नज़र पड़ती है, और वो उसको देख के शॉक हो जाता है, और फिर ना उसकी आज तो तब फुल वंडर हो जाती है जब वो देखते हैं उस लड़की को एक और पर्सन को किस करते हैं। तो गाड़ी को ना रोकने को कहता है, बोलता है ड्राइवर को गाड़ी रोकने को बोलता है। तो फिर ना ड्राइवर फौरन गाड़ी रोक देता है, और जो वो है विंग ओ नहीं यूंगी वो ना कार से उतरता है, और फिर ना जाता है और ना छुप के ना देखने लगता है, और फिर ना वो वही होती है हम वही जो वो डेवल गर्ल के नाम था उसका डेजी वो होती है, और वो अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही होती है। ये देख के ना जो यूंगी होता है वो तो फुल शॉक हो जाता है, और ना आगे वो कुछ बोलने लगती है, और यूंगी को ना ठीक से आवाज़ नहीं आती, तो वो थोड़ा और आगे जाता है और पिलर के पीछे छुप जाता है, और उस पर उन दोनों का ध्यान नहीं था। वो बिल्कुल एक क्लब के बाहर खड़े थे, और फिर ना वहीं पे किस कर रहे थे, और उसके बाद फिर ना वो जो उसका ना बॉयफ्रेंड होता है उसकी वेस्ट पे हाथ रखते रखे थे कि ना डार्लिंग मैं मुझसे और वेट नहीं हो रहा। तो फिर कहती है कि ना जो डेजी होती है वो कहती है ना मुझसे भी वेट नहीं हो रहा, अब तो मैं तुम्हारे ना हम 3 ईयर्स से एक रिलेशनशिप में, और 3 ईयर्स से हम रिलेशनशिप में, अब तो मैं तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट भी हूँ। तो फिर ना वो स्माइल करता, और फिर कहते कि ना मैं अपने मदर फादर से बात करता हूँ, और बस मैं कुछ दिनों में हमारी फिर मुझे यकीन है कि हमारे पेरेंट्स मान जाएंगे। तो हाँ मेरे पेरेंट्स तो मान चुके हैं। तो फिर ना वो भी स्माइल करता है लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, और फिर ना उसकी ना डेजी की ना टमी पे हाथ रखता है, और फिर कहते हैं कि ना ओह बेटा तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी ना बहुत ज़्यादा समझदार है, उन्होंने ना उस वो साइको मैंने यूंगी से बचा लिया, वो इस तरह बोलते हैं, और फिर ना हंसने लगता है। तो फिर ना ये बात सुन के ना यूंगी ना बिल्कुल गौर से सुने लगते हैं इनके कहने का मतलब क्या, और उसकी तो जैसे आईज फुल वंडर होती है ये बहुत सारी बातें इनकी सुन के। तो फिर ना वो जो डेजी होती कहती है ना मैं इतनी भी समझदार नहीं हूँ, इतनी भी क्लेवर नहीं हूँ, ये मेरी मोम का है, उन्होंने अचानक से जिमिन का नाम ले लिया, वरना तो वरना आज उस जिमिन की जगह तुम होते हो। तो मैं पता है मुझे ना जिमिन से ना स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा नफरत थी, हम सिर्फ मदर फादर ने उसको रखा बिकॉज उनको ना सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी, और वो उसके लिए ये देखो कितना आसान रास्ता निकल आया, वो भी हमारे रास्ते से हट गया। और तुम्हें पता है वो मैं नहीं होंगी क्या समझ रहा है, वो समझ रहा है कि जो जिमिन है वो मेरा बॉयफ्रेंड था, और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो मुझे ना रोज़ाना उसकी ना स्क्रीम्स की ना वीडियो भेजता है, और मुझे ना वो ना बिल्कुल इरिटेट कर रहा है, मतलब क्या मुझे उसके उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बताया उसने मुझे ना वीडियोस भेजी हुई, और मैंने सिर्फ एक वीडियो देखी थी जो आई थिंक 20 सेकेंड्स की थी, जिसको मैंने सिर्फ 2 या 3 सेकेंड्स तक सुना था, उसके बाद मैंने फ़ोन को रख दिया था, और उसके बाद भी काफ़ी सारी वीडियोज आएंगे बट मैंने उसको नहीं देखा। और जो जिमिन है इस टाइम ना वो इस तरह एक ना जानवरों वाली ज़िंदगी जी रहा है, मतलब उसको ना वो इस तरह का हर तरह का टॉर्चर कर रहा है, और यहाँ मैं अपनी लाइफ पीसफुली जीने वाली हूँ अपने लव के साथ, ये बोलती है। और फिर ना अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखने लगती है, रोज स्माइल करने लगता है, और फिर ना वो दोनों ने एक पैशनेट किस करते हैं, और ये सारी बातें सुन के जो यूंगी होता है वो तो जैसे वहीं पर ना फ्रीज हो चुका होता है, उसको समझ नहीं आता वो क्या बोले। तो ना
अभी वो इस हालत में है तो वो पहले पहले जाके ना जिमिन को करना चाहता था कि जिमिन को ना सारी बातें क्लियर करना चाहता था, उसको देखना चाहता था कि वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि उसको लास्ट याद था कि वो ना जिमिन के साथ क्या करके आया था और क्या कटता रहा है वो इतने टाइम तक, 1 month आई थिंक मैंने ये बताया था ना, 1 month हो गया, तो 1 month तक वो क्या करता रहा था। तो फिर ना वो फ़ौरन ना कार में आता है और फिर ड्राइवर को कहते हैं कि ना तो ना पीछे गार्ड्स की कार में चले जाओ, मुझे कार चाहिए। तो फिर ना वो ड्राइवर फ़ौरन हट जाता है और फिर ना जो यूंगे था वो कार फुल स्पीड में ड्राइव करके ना घर आता है और फिर ना फ़ौरन भाग के ना जिमिन के रूम में आता है। और जैसे ही जिमिन के रूम में आता है और जिमिन को जब वो देखता है ना, उस तरह वो ब्लड जो इतना उसकी रिस्ट से ना अभी भी ना निकल रहा था और नीचे इतना ज़्यादा ब्लड था और जो जिमिन था वो अनकॉन्शियस था, और उसको इस हालत में देख के जो यूंगी होता है वो तो अपनी नीज पे गिर जाता है और जिमिन की तरफ देखने लगता है और फिर ना रोने लगता है और फौरन अपनी सेंसेस में आता है 5 minutes बाद। और उसको ना के यही याद आता है कि उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, तो वो फ़ौरन जिमिन को उठाता है उसको ना डॉक्टर के पास ना फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाता है। और फिर ना वहाँ उसका चेकअप होता है जिमिन का, और फिर ना 3 hours बाद जो डॉक्टर रहता है वो आते हैं और फिर कहते हैं कि ना अब वो ख़तरे से बाहर है और अब आप देखना चाहें तो उनको देख सकते हैं, बट उनको कोई ज़्यादा टेंशन ना दीजिएगा। तो फिर जो यूँ गया था वो सर हाँ में लाता है और उसके पास अब वर्ड्स नहीं थे बोलने के लिए, उसको समझ नहीं आया था वो जिमिन को कैसे फेस करे। और इतने टाइम में ना उसने सारी जिमिन के बारे में इंफॉर्मेशन भी निकाली थी और उसको सब पता चल गया था कि जो उसके अंकल आंट थे वो उसके स्टेप अंकल आंट थे और उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए जिमिन के फर्स्ट पेरेंट्स को किल करवाया था। और उसके बाद फिर ना जिमिन को एज अ स्लेव ट्रीट करते थे, उसको बिल्कुल भी अच्छे से ख्याल नहीं रखते थे। और जो डेजी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालते तो फिर जो डेजी के बारे में पता चलता है कि वो उसमें थी, रिलेशनशिप में थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और फिर ना जो यूंगी होता है ये सारी बातें सुन के तो जैसे उसको समझ नहीं आ रहा था और वो ना उसको फर्स्ट टाइम ना अपने ऊपर अशेम्ड फील हो रहा था, उसको ना फील हो रहा था कि वो सच में एक घटिया इंसान है। उसको इस तरह का फील होता है, वो एक उसको फील हो रहा था, वो कह रहा होता है कि ना जिमिन नहीं होंगी तो मैं एक ऐसे बोलो इस तरह ना खुद को ना कर्ज कर रहा होता है। और फिर ना उसके बाद अंतर जिमिन के पास जाता है तो फिर उसकी ना बॉडी पे ना मार्क्स नज़र आए थे जो जिमिन को ना यूंगी ने दिए थे, उसके ना स्कार्स नज़र आ रहे थे, ब्रूजेज उसके फेसिस पे थे। तो उनको देख के ना वो ना जिमिन का ना वही हाथ पकड़ने लगता है और फिर ना सोचते हैं नहीं मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं, मेरे पास इतना राइट ही नहीं है कि मैं उसका हाथ पकड़ूं जो मैंने उस इस इनोसेंट सोल के साथ किया। इसने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ सफ़र किया और मैंने इसको क्या कर दिया, और मैंने उसको और ज़्यादा पेन दिए, इतना सब कुछ किया इस बेचारे के साथ, ये सोचता है। और फिर ना वही रोने लगता है और फिर ना वहाँ ना मीज के बल बैठा होता है और फिर ना जिमिन को ना जिमिन के बेड को पकड़ा होता है और रो रहा होता है। और कुछ टाइम बाद उठता है और फिर ना बाहर जाता है और डॉक्टर से ना एक पेज लेता है, पेज और पेंसिल लेता है और फिर ना वापस आता है और अंदर ना एक लेटर ना उस पर लिखता है। और फिर ना वहीं पे ना अपने एक ब्लैक कार्ड लिखता है और ब्लैक कार्ड रखता है और फिर ना वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं 2 days बाद का सीन जहाँ पे जो जिमिन होता है उसको स्लोली स्लोली होश आने लगता है। और फिर ना जब जैसे उसकी आईज ओपन होती है तो फिर ना वो ना सामने देखते हैं कि ना वो एक अनफेमिलियर रूम में है। तो फिर ना वो थोड़ा उठने की कोशिश करता है, देखते हैं उसको ना बैंडेजेस हुई हुई हैं और इधर उधर सारे ना उसको ड्रिप्स लगी हुई हैं और इस तरह के, और उसको ना ये सारी चीज़ें देख के पता चल जाता है कि वो हॉस्पिटल में है। तो जैसे ही उठने लगता है तो फिर वहाँ पे ना एक नर्स आ जाती है भाग के और फिर ना वो जिमिन को चेक करने लगती है। फिर डॉक्टर जाते हैं जिमिन को चेक करते हैं और फिर ना उनको कहते हैं कि ना बाप ठीक है, अब आपको ना आपको कल तक डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा, अब आपके हेल्थ बेहतर है। तो फिर ना जिमिन ना सर हाँ में लाता है क्योंकि उसको समझ नहीं आता यहाँ वो यहाँ आया कैसे। तो ना जब वो ऐसे बैठा हुआ था तो उसकी नज़र ना साथ ना पढ़े पेपर पे जाती है। तो फिर वो नर्स को बोलते कि ना ये क्या है, कहते कि ना जो आपको यहाँ लेके आए थे ये उन्होंने आपके लिए रखा। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना चुप करके ना उस पेज को उठा लेते और फिर ना पढ़ने लगता है। और उस पेज पे लिखा था कि आई एम सो सॉरी जिमिन, मुझे लगा कि मैं
ना मुझे लगा कि तुम जो डेजी के ना बॉयफ्रेंड हो मुझे आई एम सो सॉरी मैंने अपने रिवेंज के चक्कर में तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी आई एम सो सॉरी और मैंने जो भी तुम्हारे लिए किया मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया मैं उसके लिए बहुत अशेम्ड हूँ और मैं मेरे पास इतना भी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं तुम्हें फेस कर सकूँ और प्लीज़ अब मुझे भुला देना और मुझे प्लीज़ मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ बट प्लीज़ ट्राई करना कि तुम मुझे माफ़ कर सको या फिर ना मुझे बस भुला देना अपनी लाइफ नए सिरे से स्टार्ट करना अगर कर सको तो प्लीज़ मुझे भुला देना और एक ना ड्रीम की तरह और आई एम सो सॉरी मैंने जो किया और एज अ कंपनशेट मैंने ना अपना ब्लैक कार्ड रख दिया और ये इसका कोड है और तुम जितनी चाहे मनी यूज़ कर सकते हो और अब मैं और कुछ मुझे इस बारे में क्या कहूँ तो बस अपना ख्याल रखना और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर तुमसे हो सके ये क्या कि ना जो जीवन यूंगी होता है वो ना लेटर ख़त्म कर देता है और फिर ना ये देखे ना जो जीवन होता है उसके ऐसे टीयर्स निकालते हैं और वो इतना ना सैड चकल करता है और फिर कहता है ओह अच्छा तो ये तुम्हारा सॉरी का तरीका था तो फिर ना वो उस ब्लैक कार्ड की तरफ देखता है और फिर ना उसकी तरफ कुछ टाइम तक देखता है और फिर कहता है कि ना ये मेरी वर्जिनिटी का पेमेंट है वाह ओह तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक वो था रिवेंज के लिए था तो सही कह मैं कुछ और क्या कह सकता हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी नहीं होंगी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं तुम बहुत बुरे हो तुमने मेरी फुल लाइफ बर्बाद कर दी और एंड तुम मुझे मनी दे के ये कह रहे हो कि तुम मैं माफ़ कर लूँ ये बोल दिया और फिर ना जमीन ना कुछ टाइम तक हाथ रोता है और फिर ना नर्स आती है और फिर कहते हैं कि ना आपके लिए रोना ठीक नहीं है तो फिर ना जमीन जो होता है वो ना मान नहीं रहा होता और वो बहुत ज़्यादा रो ही जा रहा था तो डॉक्टर उसको ना शांत कराने के लिए उसको ना नींद का इंजेक्शन देते जिस दिन जीवन वहीं पे ना अनकॉन्शियस हो जाता है और आई मीन सो जाता है वही तो हो जाता है और इधर हम देखते हैं कि जो यूंगी होता है वो ना एक बेस्ट फ्रेंड में जैसे एंटर होता है और वहाँ पे ना फोर वॉइसेस ना एक और हो रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं और ना वहाँ कुछ टूल्स की आवाज़ें आ रही होती हैं और जिनमें यूंगी जो होता है उसके फेस पे ना पेन होता है बट वो ना उस पेन में भी एक स्मिक करता है और जैसे ही अंदर ना बेसमेंट के अंदर एंटर होता है तो देखते हैं वहाँ पर ना वही जिनके ना स्टेप अंकल आंट उसके ना वही डेजी और डेजी का ना वो बॉयफ्रेंड वो सब होते हैं तो फिर ना जो वो देखते हैं ना कि सब ना बिल्कुल ब्लडी हुए हुए हैं तो फिर ना ये देखे ना वो एक्सपेक्ट करता है और फिर ना उनके सामने आके बैठ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे धोखा देने की हाँ वो इस तरह बोलते हैं और फिर कहते हैं कि ना अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा उसके बाद जो यूंगी होता है वो एक एक करके सबको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ना पिछले 2 डेज से ना वो उन चारों को ना उसके यूंगी के गार्ड्स टॉर्चर कर रहे थे।